या चाहे आप लड़के हो या चाहे लड़कियां हो, अगर आप लड़की हो ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अननोन कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से भी बनाया हुआ है, उस वीडियो में भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह मिला है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपको दोबारा से एक अपडेटेड वीडियो दे देता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन आपके आपको इस बारे में बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप अननोन नंबर्स को जो है ब्लॉक कर सकते हो। यानी मान लीजिए ये लड़कियों में तो कोई समस्या वगैरह नहीं होती है, लेकिन अगर लड़कियों लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों के पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं अननोन नंबर से, है ना। कई लोग ऐसे नंबर वगैरह निकाल लेते हैं, फेसबुक से निकाल लेते हैं और कॉल वॉल करते रहते हैं, तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से समस्या हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप अननोन नंबर्स को, प्राइवेट नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपके पास कॉल नहीं आएंगे अननोन नंबर के, और साथ में केवल जो नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर सेव है केवल उसी नंबर से ही कॉल आएंगे, और बाकी के अननोन नंबर जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे। और वो जो है आप लोग लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो कि वो कौन सा नंबर, कौन सा अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आया था, और जो नंबर जो है कौन सा आया था और कौन कौन सा लिस्ट है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो जरूर पूरा देखना, बहुत काम का साबित होने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को यहाँ पे लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर राइट कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन को दबा देना और नीचे यहाँ पे एक कमेंट लिख देना कि यार नाइस वीडियो, यहाँ पे बस करके यहाँ पे आपको एक कमेंट लिखना है नाइस वीडियो, और ये करके आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इतना सा काम कर देना है, और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके कैसे आप इसको अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर सबसे ऊपर सर्च करना है कॉल ब्लॉकर। ये आप देख सकते हो, जब मैंने कॉल ब्लॉकर सर्च किया तो यहाँ पे आप कुछ एप्लीकेशन वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पे तीसरा वाला एप्लीकेशन आपको उठाना है, तीसरा वाले एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना है। तो जो एप्लीकेशन है काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2.5 MB का एप्लीकेशन है बस, और ज़्यादा उसमें कुछ मारामारी वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, अनेबल एप्लीकेशन है, 4.6 की शानदार स्टार रेटिंग है, अच्छी रेटिंग है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है मैंने डाउनलोड कर लिया अपने एंड्रॉइड फ़ोन में। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉल ब्लॉकर वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करके आपको कुछ जो है यहाँ पे इसकी परमिशन वगैरह दे देनी है। तो परमिशन देने के बाद कॉन्टैक्ट की रीड कॉन्टैक्ट की कुछ परमिशन वगैरह होगी तो उसको दे देना। अब कॉन्टैक्ट की परमिशन वगैरह देने के बाद यहाँ पे ऊपर सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ टैब देख सकते हैं, लॉक का टैब है, ब्लैकलिस्ट का टैब है, ब्लॉकिंग का टैब है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर एक बटन दिया हुआ है ब्लॉकिंग का, तो इस बटन को आपको जो है एनेबल कर देना है। तो ब्लॉकिंग वाले टैब को एनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे जो है एक टैब दिखाई देगा, उस टैब में बोला है अननोन नंबर्स। तो इस अननोन नंबर्स को भी जो है आप इसको एनेबल कर देना, टिक कर देना। तो उसका क्या होगा कि ये बोला है कि ब्लॉक ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होती है, ये देखो जो आपकी ये कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना, यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी आपने नंबर सेव किए हुए हैं केवल उसी नंबर से कॉल आएगा, और बाकी किसी भी अननोन नंबर का कॉल आपके पास नहीं आएगा। तो उसके लिए इसको चेक कर देना, यहाँ से अनचेक होगा इसको चेक कर देना। तो यानी कि जितने भी अननोन नंबर होंगे उनको सबको ब्लॉक कर देगा। नीचे उसके नीचे और एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉक ऑल कॉल्स। अगर आपको सारे कॉल ब्लॉक करने हैं तो आप यहाँ पे ब्लॉक ऑल कॉल्स वाले बटन पे चेक कर सकते हो, और सारे कॉल नहीं करने केवल अननोन करने तो अननोन वन पे रहने देना। प्राइवेट नंबर्स को ब्लॉक करना है तो प्राइवेट नंबर्स को ब्लॉक कर देना, व्हाइट लिस्ट करना है तो व्हाइट लिस्ट कर देना। ठीक है, तो ये टाइमिंग हो गई यहाँ पे। अब ब्लैकलिस्ट वाला जो है वो कुछ ब्लैकलिस्ट वाला नंबर जो है, अगर आपको कोई नंबर परेशान कर रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे प्लस के वाले बटन पे क्लिक करके उसको उसका एक जो है नंबर जो है ब्लैकलिस्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी नंबर आपको अच्छा नहीं लग रहा, बार बार कॉल आ रहा है, परेशान कर रहा है, तो यहाँ से आप उस नंबर को, उस कॉन्टैक्ट को ब्लैकलिस्ट कर सकते हो। और यहाँ से है तीसरा लॉक का। लॉक का मतलब जो भी आपकी ब्लॉकिंग कॉल होंगे, ब्लॉकिंग कॉल में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर मेरे को बार बार कॉल कर रहा है, कौन सा अननोन नंबर मेरे को बार बार कॉल कर रहा है, और वो अननोन नंबर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट दिख जाएगी। तो देखो कितना काम का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जाके डाउनलोड करो। अगर आप लड़की हो और आपके पास बार बार अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं तो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और रिलायबल साबित होने वाला है। एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा काम का है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन से आपके पास कभी भी अननोन नंबर के कॉल नहीं आएंगे। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो तक के लिए बोलते रहे हर महादेव शंभू।